दादरी हत्याकांड की आवाज संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कहकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान ने नया सियासी बखेड़ा कर दिया है। आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आजम ने लिखा है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हर गौभक्त की जिम्मेदारी है, आज के बाद किसी भी 5-स्टार होटल के मेन्यू में बीफ के गोश्त की कीमत न लिखी जाए, और अगर लिखी जाती है तो ऐसे सभी 5-सितारा होटल की ईंट से ईंट बजा दी जाए, जैसे बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजाई गई थी। गाय का सम्मान कश्मीर से कन्याकुमारी तक होना चाहिए। आजम खान ने संघ पर आरोप लगाते हुए आगे चिट्ठी में ये भी लिखा है कि संघ ने मुस्लिमों के नरसंहार की तैयारी कर ली है, हम इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें जोर शोर से की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को इसका मोहरा बनाया जा रहा है। पीएम तो पहले से ही विदेशी मंचों पर हिंदुस्तानियों को जलील करते आ रहे हैं। वो जैसे बोलते हैं उससे लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी ही रहते हैं। पीएम ने दरवाजा खोल दिया है। सवाल ये है कि आखिर आजम खान की चिट्ठी के मायने क्या है? आखिर क्यों आजम खान संयुक्त राष्ट्र संघ की नजर में दादरी कांड को लाना चाहते हैं? सवाल तो ये भी है कि गौ मास मुद्दे पर अगर इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया है तो पूरे देश में बीफ पर बैन क्यों नहीं करती मोदी सरकार? फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।